वेलकम बैक माय डियर किड्स विद अनदर चैप्टर ऑफ आवर एसएसटी बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। द नेम ऑफ आवर बुक इज जेली बीन जर्नीज इन सोशल स्टडीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 15। और हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का नाम है सेफ्टी रूल्स। आज हम सुरक्षा के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सम एंड सब्सटेंस, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक्सीडेंट, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, सेफ्टी ऑन बस, सेफ्टी रूल्स ऑन रोड, सेफ्टी रूल्स एट होम, सेफ्टी रूल्स इन द प्ले ग्राउंड, सेफ्टी इन द पूल और फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। इन सब के बारे में आप अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी, मैच द रोड साइन विद व्हाट दे स्टैंड फॉर। यहाँ पे कुछ रोड साइन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है कि उस साइन का क्या मतलब है। दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। एक्सीडेंट अक्यूर व्हेन वी आर नॉट केयरफुल, दे कैन कॉज अस हार्म। स्टेइंग सेफ is an important as staying healthy. Accidents can happen anywhere. If we follow safety rules, we can stay safe and prevent accidents. We should follow them everywhere. दुर्घटना कब होती है? जब हम लापरवाही बरतते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, दुर्घटना से बचना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो हमें क्या होता है? चोट लगती है। जिस तरीके से हम स्वस्थ रहना पसंद करते हैं, उसी तरह हमारे लिए सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम सुरक्षा के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो हर जगह फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले हम सुरक्षा के उन नियमों को पढ़ेंगे जो हमें घर में फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला है, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, दे मे हर्ट अस। हमें नोकीली और तेज धार वाली चीजों से नहीं खेलना चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस और प्लग को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्या होगा? आपको बिजली का झटका लगेगा। नेक्स्ट, वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, हमें माचिस से नहीं खेलना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमें बड़े सावधान होना चाहिए अगर आसपास क्या है, स्टोव है किचन में, गैस के पास माचिस से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, क्या होगा? आग लग सकती है। वी शुड नॉट फ्लाई काइट फ्रॉम द रूफ टॉप और टेरिस, टेरिस और छत की कोनों से पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। हमें अनजान व्यक्ति के लिए घर के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए और हमें अपने टॉय, स्कूल बैग और बुक्स को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें उनकी प्रॉपर प्लेस पर रखिए। वी शुड नॉट क्लाइम ऑन टू शेल्फ एंड विंडो सिल, वी मे गेट फॉल डाउन एंड हर्ट। हमें कहां पर नहीं चढ़ना चाहिए? शेल्फ और विंडोज पर। क्या होगा? अगर आप गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। तो बच्चों, ये सब सुरक्षा की वो नियम है जो हमें घर में फॉलो करने चाहिए। नाउ वी विल टेल अबाउट सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, हमें स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए जब आप चल रहे हैं, हमेशा लाइन में चलिए, ये नहीं कि लाइन में चल रहे हैं और एक दूसरे को पुश करें। वी शुड नॉट रन हेयर एंड देयर इन द क्लासरूम, वी मे बम्प इनटू डेस्क एंड चेयर एंड हर्ट आवरसेल्फ। हमें क्लास में इधर उधर नहीं भागना चाहिए, आप गिर सकते हैं, डेस्क या बेंच आपको लग सकती है और आपको चोट लग सकती है। वी शुड नॉट रन इन द स्कूल कॉरिडोर, स्कूल कॉरिडोर में भागना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस, वी मे स्टम्बल एंड फॉल डाउन। स्टेयरकेस पर भी भागना नहीं चाहिए, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। शार्प पेंसिल को यूज बहुत केयरफुली करना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चों को बिल्कुल पॉइंटेड नोक चाहिए पेंसिल की, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्या होगा? अगर उसकी नोक किसी को चुभ गई, किसी बच्चे को, तो उसको दर्द होगा, चोट लग सकती है।
वी शुड यूज स्कूल इक्विपमेंट विद ग्रेट केयर। स्कूल के जो भी इक्विपमेंट है, जैसे साइंस लैब में आप जाते हैं वहां पे जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो चॉक और डस्टर एट अदर। एक दूसरे पर चॉक या डस्टर नहीं फेंकने चाहिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। जो नियम हमें प्लेग्राउंड में खेलते समय फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला क्या है, हमें बिल्कुल रफ गेम नहीं खेलने चाहिए। ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स, हमेशा सेफ गेम्स खेलिए, सुरक्षित गेम्स खेलिए। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस, बैरेड वायर, ओपन वेल्स, पॉन्ड, रिवर और रोड। हमें सड़क, तालाब, नदियों और कई जगह आपने देखा होगा पार्क के आसपास नुकीली तारे लगी होती हैं, उनके पास नहीं खेलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी फेयर इन गेम, वेट फॉर आवर टर्न। ईमानदारी से गेम खेलने चाहिए और अपनी टर्न, अपनी बारी आने का इंतजार करना चाहिए। वी शुड प्ले इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। वी शुड नॉट हिट एनीबॉडी विद अ बैट, बॉल और अदर थिंग्स। We should play safe. हमें किसी भी बच्चे को बैट या बॉल नहीं मारनी चाहिए, उसे चोट लग सकती है, बहुत ध्यान से गेम खेलने चाहिए। If we get hurt, we should reach home quickly. अगर आपको चोट लगी है तो तुरंत अपने घर जाइए, अपनी मम्मा को बताइए कि मुझे चोट लगी है। सेफ्टी ऑन द बस। अब बस में ट्रेवल करते हुए भी हमें कुछ सेफ्टी अपनानी चाहिए, सुरक्षा के कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन कौन से नियम है, आइए मैं आपको बताती हूँ। वी शुड फॉर्म अ क्यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर लाइन बना के रखिए, लाइन में खड़े होइए और अपनी बस का इंतजार करिए। वी शुड नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस। चलती बस में ना चढ़िए और ना उतरिए। वी शुड नॉट टेक आवर आर्म्स और हेड आउट ऑफ मूविंग बस। चलती हुई बस से अपने हाथ और अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। और हमें ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा है बस, उसको अपनी बातों से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका ध्यान भटका तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाउ सेफ्टी इन पूल। स्विमिंग पर जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा अपनानी चाहिए। वी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन। अकेले तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो इन टू डीप एंड, ज्यादा गहराई में तैरना नहीं चाहिए, ज्यादा गहराई वाले पानी में तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज अ स्विमिंग ट्यूब। हमेशा स्विमिंग ट्यूब्स का इस्तेमाल करिए, और स्विमिंग करने के जस्ट बाद खाना नहीं खाना चाहिए। We go for boating. We should get into the boat and sit at one place. We should not jump around. Boating के लिए जा रहे हैं, एक जगह पे बैठिए, इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। We should be very careful while swimming. तैरते हुए बहुत ध्यान रहना चाहिए, बहुत चौकन्ने रहने चाहिए। Now time for interpretation. In case of emergency, we dial 108 to call for medical help. अगर कोई इमरजेंसी है हमें 108 पर कॉल करना चाहिए, इसलिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए। नाउ आई विल टेल यू सम सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। जो हमें सड़क पे कुछ सुरक्षा के नियम है जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग एंड सिटिंग ऑन अ टू व्हीलर। कभी भी टू व्हीलर पर बैठते हुए या चलाते हुए हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए। ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और हमें रोड कहाँ क्रॉस करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पर। और हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए जब हम सड़क पार कर रहे हो। हमें अपने दाएं बाएं दोनों तरफ अच्छे से देखना चाहिए रोड क्रॉस करने से पहले। बिफोर क्रॉसिंग अ बिजी रोड, अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सड़क पर तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट जब तक रेड ना हो आपको सड़क क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और हमें ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीट बेल्ट पहननी चाहिए अगर ड्राइविंग कर रहे हैं। हमेशा फुटपाथ पर चलिए और कभी भी सड़क पर नहीं खेलना
चाहिए। अगर आप सड़क पे खेलेंगे एक्सीडेंट होगा, चोट लग सकती है। कॉल समवन फॉर हेल्प इफ यू सी एन एक्सीडेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल बिफोर द इंजरी बिकम वर्स। अगर आप सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता हुआ देख रहे हैं या एक्सीडेंट हुआ हुआ देखा है, तो आपको किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि जिस जने को या जिस इंसान को चोट लगी है उसको सही ट्रीटमेंट मिले। ऐसा ना हो उसकी चोट ज्यादा बढ़ जाए और उसकी जान भी चली जाए। Now I will tell you about first aid. First aid क्या होता है? First aid is the medical help giving to an injured person before the doctor come. It can stop an injury from getting worse. We must remember the following when we get someone first aid. अगर किसी इंसान को चोट लग गई है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के पास या डॉक्टर के आने से पहले उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी इंजरी को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। लेकिन हमें फर्स्ट एड देते समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड काम, बहुत आराम से धैर्य पूर्वक फर्स्ट एड देनी चाहिए। और हमें जिस इंसान को चोट लगी है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी चोट लगे हुए पर्सन को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो जहां पे उसको चोट लगी, जहां उसका जख्म है, उसे साफ रुमाल से बांध देना चाहिए, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग कम होगी। वी मस्ट आस्क आवर एल्डर टू टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर। और हमें अपने बड़ों को बताना चाहिए कि जिसको चोट लगी है उस इंसान को डॉक्टर के पास इमिजिएटली तुरंत ले जाए। नाउ टाइम टू हैव लुक ओवर सेफ्टी रूल्स अवॉइड एक्सीडेंट। सेफ्टी रूल्स से क्या होता है? एक्सीडेंट नहीं होते, दुर्घटना नहीं होती। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम एंड आउटसाइड द होम। वी शुड नॉट टच शार्प ऑब्जेक्ट। हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं छूना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। नाउ टाइम फॉर एस्टिमेशन कॉर्नर। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनिए। वी शुड प्ले इन द डैश। हमें कहाँ खेलना चाहिए? रोड पर, क्लासरूम, किचन या पार्क में? हमें खेलना चाहिए पार्क में। वी शुड नॉट टॉक टू द। हमें किससे बात नहीं करनी चाहिए? स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स, फैमिली या ऑल ऑफ दी। हमें स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। खाली स्थान को भरिए हेल्प बॉक्स की मदद से। वी शुड नॉट फ्लाई डैश फ्रॉम द रूफ ऑफ टेरिस। हमें छत के टेरिस या कॉर्नर से क्या नहीं उड़ानी चाहिए? हमें काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए। नंबर मेक अ डैश एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर क्या बनानी चाहिए? क्यू। क्यू मतलब लाइन बनानी चाहिए। वी शुड नॉट ओपन डोर्स टू। हमें किसके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए? हमें स्ट्रेंजर्स के लिए, अनजान लोगों के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। नेवर यूज अ डैश व्हाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हमें मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Now exercise C, state whether the following statements are true or false. तो कुछ statements हैं, बताइए वो सही है या गलत है। We should not run on the stairs. सीढ़ियों पर भागना नहीं चाहिए। Yes, this statement is true. Number 2, we should walk in the middle of the road. हमें सड़क के बीचम बीच चलना चाहिए। No, this statement is false. नंबर 3, सेफ्टी रूल्स कैन अवॉइड एक्सीडेंट। सेफ्टी रूल्स से एक्सीडेंट नहीं होते, दुर्घटना नहीं होती। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 4, यू कैन प्ले ऑन द रोड। आप सड़क पर खेल सकते हैं। नो, वी कैन नॉट प्ले ऑन द रोड। सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट सेफ्टी रूल्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.